समझ में ये नहीं आता कि ये लोग आखिर हमसे इतनी नफरत करते क्यों हैं? क्या हम भी उनसे इतनी नफरत करते हैं? पापा, जब आप उन्हें हमारी फौजियों की जान लेते हुए देखेंगे ना, तब आप भी उनसे उतनी ही नफरत करेंगे जितनी मैं करता हूं। क्या ये दुश्मनी हमेशा चलती रहेगी? क्या कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब हमारे यहां से डोली उठकर उनके मुल्क जाएगी? जो भी डोली यहां से वहां जाएगी, उसे उन तमाम शहीदों की लाश के ऊपर से गुजर के जाना होगा जिन्होंने इस देश को उन लोगों से बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी है। मतलब इस समस्या का कोई हल नहीं है। लेकिन जब से अफगानी घुसपैठियों को वापस अफगानिस्तान बुला लिया गया है, तब से गोलाबारी कम हो गई है। सुना चांदनी? अरे अपने भाई के साथ बैठो, बहुत कैसे सुनने को मिलेंगे। अरे पापा, चांदनी सारे किस्से सुनकर क्या करेगी? इस वक्त तो सिर्फ इसे अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए, राइट चांदनी? भाई हर किस्से हर कहानी से कोई ना कोई सबक तो मिलता ही है जिंदगी का, है ना चांदनी? पता नहीं अर्ज करूं कि नहीं करूं, चलो कर देता हूं। वो चिट्ठी पढ़ के चांदनी के तो होश उड़ गए थे पप्पू। हम इतने करीब होके भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। हाँ, और अगर मिल गए तो ससुराल जाना पड़ेगा। मिस्टर वालवनकर, उसकी नजरें तो सब जगह होती है। जानता हूँ, लेकिन हेलो, एक बात मत भूलना, तुम्हारा वीजा खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी है और उसके बाद में घुसपैठ करार दिया जाऊंगा। फिक्र तो इस बात की है कि जब अब्बू को मेरी गैर कानूनी हरकत का पता चलेगा तो अपनी बेगुनाही साबित करना और भी मुश्किल हो जाएगा। वो मेरे को अचानक याद आया पप्पू, जब पुलिस तुमको पकड़ के लेके गया था ना, तुम्हारा सिस्टर का फोन आया था। क्या? हाँ, और मैंने तुम्हारे सिस्टर से बात भी किया। तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं पप्पू, उल्टा उसने मेरे को बताया कि तुम्हारा अब्बू का तबीयत खराब है। और तुम मुझे अब बता रहा है? अरे तो तबीयत खराब का मतलब जुकाम भी हो सकता है यार। मैंने तुम्हारे सिस्टर को पूछा, उसने मेरे को बताया कि तबीयत इतना सीरियस नहीं जिसकी वजह से तुम मेरा कॉलर पकड़ो। I'm sorry. परवेज, मुझे तो लगता है इसी डायरी में होना चाहिए नंबर। लाइए, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, मैं देख रही हूँ। ये रहा, खुदा बख्श। देखो किस कदर नफरत से लिखा हुआ है नंबर, ठीक तरह से पढ़ा भी नहीं जा रहा। बॉम्बे का कोड क्या है? 9122। 9122। देखिए आप, अगर भाईजान को पता चला कि आप खुदाबख्श भाई को हिंदुस्तान में फोन कर रही हैं, तो उनका गुस्सा सातवें आसमान को छू लेगा। इसी गुस्से का अंजाम भुगत रहे हैं वो और हम सब भी। बेल बज रही है। अल्लाह कसम, हमारी आवाज आवाम के बड़े से बड़े अफसरान तक जाएगी। इस मुल्क को हमने भी उतना ही दिया है जितना औरों ने दिया है, तो फिर हमारे साथ ये बेइंसाफी क्यों? बताइए बताइए, क्यों है ये बेइंसाफी हमारे साथ? सोहेल भाई, अंदर शायद फोन बज रहा है। एक मिनट, में अभी आया। हेलो हेलो हेलो। कमबख्त ये फोन भी उन सरकारों की तरह हो गए हैं जो ना हमें चैन से बैठने देते हैं ना उठने। अरे इतना गुस्सा अपने कलेजे में क्यों रखता है बेटा? उस ऊपर वाले की दया से इतना तो कुछ बुरा नहीं हुआ हमारे साथ, सब कुछ अच्छा ही तो हुआ है। अम्मी, हमें हर बुरी चीज को अच्छा समझने की आदत हो गई है। दरअसल हमें पता ही नहीं है कि अच्छा है क्या। और कम से कम आप तो इस तरह नासमझी की बातें ना किया करें प्लीज। आपको पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है? सुहेल, अपनी अम्मी से इस तरह बात नहीं करते। अब्बू, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा था। हेलो,
फरीदा भाभी। अरे राजेश, क्या कर रहे हो? मोटरसाइकिल चमकाने का वक्त नहीं है, ढेर सारे काम पड़े हैं। पापा, भागा दौड़ी करने के लिए तो इसे साफ करके तैयार कर रहा हूँ। बहुत दिनों से गैरेज में पड़ी थी। आप कहिए क्या काम है। सबसे पहले तो रिश्तेदारों और दोस्तों की लिस्ट बनानी है। जो नाम मुझे याद आए मैंने इस कागज पर लिख दिए, बाकी तुम देख लो। कोई भी नाम छूटना नहीं चाहिए। शादी ब्याह का मामला है, कोई रह गया तो जिंदगी भर बातें सुननी पड़ेंगी। मैं देख लेता हूँ पापा। एक बार ये फाइनल हो जाए तो फिर कार्ड बंटवाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसको आराम से देख लेना, इस काम में जल्दबाजी नहीं कर सकते। और अच्छा एक बात बताओ, कैसा लग रहा है तुम्हें घर वापस आकर? अच्छा लग रहा है पापा। वहां तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा तुम्हें। इस बार काफी मुश्किल थी। सुना है काफी जाने गई। काफी पापा, जो लोग मरे शहीद। पापा शहीद, आई एम सॉरी, जो लोग शहीद हुए उनमें तुम्हारे दोस्त भी थे। सब मेरे भाई जैसे थे पापा। कोई अपने बच्चों को अनाथ बना के चल दिया तो कोई नई नवीली दुल्हन को विधवा। दुख तो बहुत होता है, लेकिन एक तरफ ये खुशी भी होती है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है पापा, मुझे भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होता है। जब आपका जिगरी दोस्त दुश्मन की गोली का शिकार बनकर आपके हाथों में अपना दम तोड़े, बहुत कुछ होता है। ये भी जरूरी होता है नफरत को कायम रखने के लिए। खाना कैसा लगा? जायकेदार था। है ना बप्पू, मुंबई में हमेशा ऐसी छोटी जगह खाना खाना, खाना अजम होता है। अरे मैं बहुत फाइव स्टार होटल गया यार, रोज खाना उधर ही खाता था, लेकिन खाना हजम होता ही नहीं था। जब से मेरे को ये छोटा जगह दिखा। अरे ये इधर कैसे आ गया यार? ये अगर तेरे को देख लिया ना तो माँ कसम लोगों की वाट लग जाएगी। मैं तेरे को कहाँ छुपाऊँ? मैं कुछ जानदार। अरे अरे पटली पटली पट जानदार। ए भाई, ए इसको थोड़े देर अंदर बैठने दे, बिना मीटर के तेरे को 10 रुपये दूंगा। वो क्या ना, बचपन से इसको रिक्शा में बैठने का शौक है। हाँ हिला हिला, तू हिला। हाँ नजमा, तू आई नहीं आज? नजमा खाना खा रही क्या? अच्छा खा। अच्छा सुन, बता नारियल वाड़ी में तू डांडिया खेलने आ रही कि नहीं? हाँ हाँ स्टिक है ना मेरे पास। अरे क्राइस साहब, तुम्हें क्या टाइम पे आला तुम? ये नजमा चल फोन रख, मेरा पुराना दोस्त आ गया है। अबे रखना रख। क्राइस साहब तुम्ही इकड़े कसा गए बरा ना? किधर है तुम्हारा दोस्त? किधर है? कौन वो पाकिस्तानी अमन? चले गया। तुम लोग ने उसके प्यार का पैकअप जो कर दिया साहब। और मजे की बात बताऊं साहब, वो जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा ना, उसका मेरे को पेज आया, बोला राहुल एयरपोर्ट में एक पाकिस्तानी लड़की के साथ मेरा टाका बिड़ गया है। बिचारी चांदनी, प्यार ने क्या दिन दिखाया उसे। चलो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, निकलता हूँ।
जा रहे क्या? पक्का जा रहे? पप्पू पप्पू जल्दी बाहर निकल, बाहर निकल, बला टली बला टली। ये 10 रुपए रख। अरे बाल बाल बच गए पप्पू, अगर वो तुझे देख लेता ना तो मेरे सर पे जितने भी बाल बचे ना सबको नोच लेता। कैसे हो अमन? कोले बे पप्पू मर गए, लगता है 5-1 हजार रुपए की वाट लगी जाएगी अपनी। अमन, तुम्हारे दोस्त ने मुझे बताया था कि तुम पाकिस्तान में बहुत खुश हो, वैसे अभी भी तुम मुझे बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी हिम्मत मुझे बहुत पसंद आई। साहब वो दरअसल क्या है ना, ये ऑल द बेस्ट। तो बाकी हम लोग खाना खा लिए तो इतना ही बच। हेलो, क्या हो गया? पता नहीं। ए, आजू बाजू कहीं दारू की दुकान है क्या? ये पीकर आएगा था? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बप्पू मेरे को लगता है ये इस बार फौज लेकर आएगा, पतली गली पकड़ के वट लेते। चल चल चल, सोच मत, चल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? जूस तुम्हारे लिए। मैंने आज तक सुबह सुबह अपनी पूरी लाइफ में कभी जूस नहीं पिया है। अरे लाइफ में पहले कभी शादी की है? जूस पियो, तुम्हारे चेहरे पे चमक आ जाएगी। क्यों, शादी में लाइट्स नहीं होती है क्या? चमक आ जाएगी। ना जूस पियो प्लीज। आई डोंट हैव इट। कम ऑन। अरे I don't have it यार। अरे मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे पीज़ा। अरे I don't have it यार। अरे मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे पीज़ा। I hate, I hate, please, I hate juice, I hate. You have to. अनु मैम। एक मिनट। सारे सोल्जर्स सल्यूट करेंगे, सल्यूट कर कैप्टन राजेश। अरे तुमने कैसे पहचान लिया? अरे कैसे नहीं पहचानूंगा, मैंने बचपन से लेके आज तक आपकी सारी तस्वीरें देख ली है। मिशेल इनसे मिलो, ये है कैप्टन राजेश, चांदनी के बड़े भाई। हाय। और राजेश ये है मिशेल, माय बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम कुआलालंपुर। हेलो। अरे इनफैक्ट बेस्ट फ्रेंड क्या, मिशेल मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड से भी बढ़कर है ना। स्टॉप इट अनु, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। वो तो गर्ल भी हो और फ्रेंड भी हो, सो यू नो दिस गाइस अ लिटिल डिफिकल्ट, डोंट मिसअंडरस्टैंड हिम प्लीज। No, of course not. अरे यार राजेश को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक मुझे इस बात का यकीन है कि कोई मेरी बहन की खुशियों के दायरे में कदम नहीं रख रहा हो। Of course not, Captain. Don't you worry at all. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे मिशेल की जान की इतनी परवाह नहीं है जितनी अपनी खुद की जान की परवाह है। हाँ कमिश्नर साहब कहिए। लेकिन कमिश्नर साहब आपने जी जी हेलो हेलो चांदनी, मैं अमन बोल रहा हूं। अमन? अमन तुम बहुत अच्छा लड़का है। पागल तूने फोन क्यों रख दिया? उसी का फोन था ना? क्या बात है, अब अपने भाई से छुप छुप के बातें होगी। कल तक तो इस भाई को सारी बातें बताई जाती थी। चांदनी अब सही में लगता है कि तुम हम सबको छोड़कर जाने वाली हो। चांदनी? अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आंखों में आंसू कैसे? ओ, मैंने इस घर को छोड़ के जाने की बात की इसलिए ना। कम ऑन यार, आई वाज जस्ट जोकिंग। इनफैक्ट मैं अनु से मिला भी हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और तुम कौन सा यहां से बहुत दूर जाने वाली हो? अरे इनफैक्ट तुम्हारे तो दो दो घर हो जाएंगे। कम ऑन, चीयर अप प्लीज। इसमें रोने वाली कौन सी बात है?
हाँ, रोना तो हमें पड़ेगा। एग्जैक्टली, वो घर तो भर जाएगा मगर ये घर खाली हो जाएगा। देखो चांदनी, तुम्हारा जब मन करे ना तुम यहां चले आना। क्यों बाबा? वो थोड़ा मुश्किल होगा इसके लिए, क्योंकि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने के लिए वीजा बड़ी मुश्किल से मिलता है। पाकिस्तान? हाँ भाई, जिस लड़की का ससुराल पाकिस्तान में हो उसकी आंख से आंसू तो निकलेंगे ही।